आदरणीय प्रचार महोदय जी एवं मेरे सभी शिक्षकगण, मैं आपके समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती के शुभ अवसर पर छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें जो भी त्रुटियाँ हों क्षमा करें। मातृभूमि की आज़ादी में जिसका सब कुछ अर्पण है, मातृभूमि की आज़ादी में जिसका सब कुछ अर्पण है, जिसका नारा बना देश में युवा वर्ग का दर्पण है, जिसका नारा बना देश में युवा वर्ग का दर्पण है। अंग्रेजों की अधीनता में किंचित नहीं सहूंगा, खून मुझे दे दो प्यारे युवकों, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मेरे भारत के जाबाजो बढ़कर लाल किला ले लो, मेरे भारत के जाबाजो बढ़कर लाल किला ले लो। दिल्ली चलो चलो दिल्ली अपने प्राण पर खेलो, दिल्ली चलो चलो दिल्ली अपने प्राण पर खेलो। तुमने ही जय हिंद सैन्य का सुंदर किया गठन है, तुमने ही जय हिंद सैन्य का सुंदर किया गठन है। प्रिय सुभाष चंद्र जी बोस को मेरा शत शत नमन है। जय हिंद जय भारत। नमस्ते मैम, मैं जाना बेगम, क्लास D.L.E.D. फर्स्ट ईयर। मैं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे कुछ कहना चाहती हूँ। सो ये है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंद फौज का गठन भी किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया था। जय हिंद के नारे की उत्पत्ति भी नेताजी ने ही की थी। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो एयरपोर्ट पे विमान क्रैश होने से उनका निधन हो गया था, जो कि मृत्यु के बाद नेताजी को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम अंजलि तिवारी है, मैं BCA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो, धरती माँ का बाल था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे आजादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माँ की शान के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन, पर इंसाफ न उसको मिल पाया। अमर होकर भी भारत में वो शान न उसको मिल पाया। आजाद हिंद की देकर फौज, जय हिंद का दिया नारा था, नारी सेना का कर गठन, फिरंग इसने ललकारा था। वो और कोई नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बहादुर सिपाही थे। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मातृभूमि के खातिर अपना आराम तथा अपना घर त्याग दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंसा के ऊपर यकीन रखते थे और ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सैन्य विद्रोह कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक समृद्ध हिंदू परिवार में उड़ीसा के कटक में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता श्री जानकीनाथ बोस एक बैरिस्टर थे तथा उनकी माता श्रीमती प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक बार ब्रिटिश प्रिंसिपल के ऊपर हमले के आरोप में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने IAS की परीक्षा पास की, लेकिन उस परीक्षा को छोड़कर वो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति संग्राम में शामिल हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1921 के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस
अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनेक कार्यकारिणीय क्रियाकलापों में भाग लेने लगे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग फौज की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हिंद फौज रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। असफलता जो है सफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। थैंक यू। इट इज़ द ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइज ऑफ फ्रीडम। गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। Whenever we hear this popular saying, our mind and soul direct straight towards an unsung warrior, a great militant, a freedom fighter, and a great patriot. Popularly known as Netaji, he is none other than the great leader, Mr. Subhash Chandra Bose. Good morning to one and all. I am Astha Vaishnav, a student of BA third semester at Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani. Netaji was born in Cuttack, Odisha on 23rd January 1897. During his childhood times, he was such a brilliant student. From the young age onwards, he had a feeling of nationalist temperament, and British's discrimination towards Indians filled him with rage. He joined INC, that is Indian National Congress, a non-cooperation movement under the influence of Mahatma Gandhiji to serve the country. He was such a revolutionary freedom fighter who laid the foundation of Azad Hind Fauj or Indian National Army. Bose believed that we should have one desire, the desire to die for the country, so that our motherland may live, so that our India may live. Netaji's selfless contribution and his role in India's independence is instrumental and indispensable. He is the one who made independence haste, which was coming rather slow. Subhash Chandra Bose's patriotism, call for freedom, and his refusal to stop before achieving the desired goal has made him a hero, a reputation that has remained intact even after all these years. On his birth anniversary, let's pay a tribute to this tremendous leader. Let's pay a homage to this great leader with beautiful lines. भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो। नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे, आज़ादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। आज़ाद हिंद की देकर फौज, जय हिंद का दिया नारा था। नारी सेना का कर गठन उसने फिरंगी को ललकारा था। माथे में था तेज जिसके, दिल में भरा प्यार था। वो और नहीं, कोई और नहीं, वो अपना सुभाष चंद्र बोस था। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी माँ भारती के लाडले सपूत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। साथियों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिल्लोड़े देने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और देश के प्रति कुछ कर गुजर जाने का जज्बा जाग उठता है। भारत माता के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। इनके ममतामयी माता का नाम प्रभा देवी था और इनके पिता जानकीनाथ बोस थे, जो कि जाने माने अच्छे वकील थे। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। साथियों, वो साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर भारत माता की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी के पथ पर चल निकले। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन शैली से कभी समझौता नहीं किए। वो तन, मन और धन सभी भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए।
सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलना अपने आप को गवारा नहीं समझा। सुभाष चंद्र बोस और उनके कई नौजवान साथियों ने सुख दुख को त्याग कर भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने पूरे बंगाल में जोश जगा दिया और देखते ही देखते स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बन गए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के चलते उन्हें जल्द ही कांग्रेस छोड़नी पड़ी और वे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदोपरांत उनको उनके ही घर में अंग्रेजों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1941 को वो घर से भाग निकले और जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज में सेनाओं की संख्या कुल सभी के सामने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में नेताजी के बारे में संक्षिप्त में उनकी जीवनी प्रस्तुत करना चाहूँगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को ऊंचाई तक ले जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभा देवी और उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था, जो कि पेशेवर वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन आज़ादी की में समर्पित कर दिया। इन्होंने लड़ाई आज़ाद कराने के लिए हमारे देश को आज़ाद हिंद फौज बनाया। इसी के प्रस्ताव में इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ जैसे नारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं। पर दुर्भाग्यवश 1945 में नेताजी एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और इस 1945 में हमारे देश ने महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खो दिया। देशवासी अपने नेताजी को आज भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।